पता है मेरे ना फ्यूचर का लेके एक थ्योरी है। थ्योरी एक बार समझ लो थोड़े से। देखो है क्या इसमें, मान लो कि अपन लोग फ्यूचर में जैसे देखते हैं, लाइक फ्यूचर से जैसे कोई बंदा पास्ट में जा रहा हो और अपने पास्ट को देख रहा हो कि हाँ मैं अभी मान लो मैं अभी 4 साल पहले जा गया अभी, ठीक है, आ जाएगी 2024, मान लो मैं 2020 में जा रहा हूँ और उस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लाइक मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लाइक टीवी देख रहा हूँ मैं जस्ट बैठ कर, और मैं पीछे से छुपक के अपना फ्यूचर वाले टाइम से जो मैं आया हूँ मैं अपने पास्ट में देख रहा हूँ कि मैं बैठ के 4 साल पहले से मैं टीवी देख रहा था, समझ गए? तो ठीक है, तो मैं 2020 में मैं टीवी देख रहा हूँ बैठ के, वो मैं अपने 2024 वाले फ्यूचर से, मैं आज वाले फ्यूचर से, आज वाले टाइम से मैं अपने जो 2020 में गया था मैं उस टाइम को देख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे उधर उस रूम में दो बंदे हैं, तो क्या ऐसा उस टाइम पे हुआ भी होगा कि अगर मान लें 2020 में जब मैं मूवीज़ रियल टाइम में, जो सच में 2020 था उस टाइम पे जब मैं मूवी देख रहा था, क्या उस टाइम में मेरे पीछे भी कोई था, जैसे कि मान लो उसका कोई आभास वगैरह मुझे हुआ होगा, मान लो मैं 2024 से जाके 2020 में अपने आप का मूवी देखता हूँ जब मैं देख रहा था और पीछे से मैंने एक मान लो पानी की गिलास मैंने उठा के अपने ही मुंह पे मार ली, यानी 2024 वाले ऋतिक से 2020 वाले ऋतिक पे मुंह पे मार ली, तो क्या रियल में 2020 में मेरे मुंह पे गिलास पड़ी होगी? उस वक्त मैं सोच रहा हूँगा कि ये कहाँ से आया, ठीक है। चलो ये हो गया एक पॉइंट, अगर ऐसा हुआ होगा तो। अब ठीक है, अब अगर मैं 2024 में से मान लो आज हैगी फरवरी 2 तारीख, 4 वैसे तो 5 तारीख है, ठीक है, फरवरी 5 तारीख से मैं 2020 के फरवरी 5 2024 से आज मैं जा रहा हूँ अपने पास्ट में जा रहा हूँ 2020 वाले ऋतिक से मिलने, जब मैंने उसको गिलास मारा हो, ठीक है, तो फिर वो चलो उधर मैंने मार दिया, तो अभी अगर जब 2020 वाला ऋतिक, जब वो रियल वाला ऋतिक जब 2024 में आएगा फरवरी 5 को, तब क्या उधर सीन कैसा रहेगा? क्योंकि 2024 वाला ऋतिक तो खुद 2020 में गया है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या उधर कोई ऋतिक रहेगा 2024 में, क्या वो ऋतिक रहेगा या फिर नहीं? और अगर मान लो कि 2024 वाला ऋतिक जो पास्ट में गया ऋतिक 2020 वाले ऋतिक से, वो जब उसने उसको गिलास मारा है मुंह पे उसके, तब अगर कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि मशीन वसीन ख़राब होगी और वो उधर ही फंस गया, तब क्या वो 2024 के बाद जो ऋतिक आगे आएगा वो क्या गायब हो जाएगा एकदम सडनली? मान लो 2020 वाला ऋतिक 2021 जिएगा, 2022 जिएगा, 23 जिएगा, 24 जिएगा, 24 का फरवरी 5 भी जिएगा, फरवरी 5 में एकदम से वो गायब हो जाएगा क्या? क्योंकि वो तो इस टाइम से वो वापस से फ्यूचर पास्ट में चला गया है। तो ये सब थोड़ी सी मेरी थ्योरी है कि अगर किसी को भी पता होगा तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करो। मुझे पता है इस समय क्यों पूछ रहा हूँ, एक थ्योरी आई है जस्ट मेरे मन में। इस वक्त मैं हूँ बस में जा रहा हूँ किसी काम से, और जब मैं खाली बैठा रहता हूँ तो मैं यही सब सोचता हूँ, और लाइक जैसे कि अभी मैं यही सब सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में बहुत लंबी एक थ्योरी चल रही है। स्टीफन हॉकिंग एब्सटीन आइसलैंड। अभी क्या है ना, देखो मैं भी वो देख रहा था नारुतो का ओबिटो वाला टाइम सिचुएशन देख रहा था, उसमें उस बंदे ने एक थ्योरी बताई है कि ओबिटो ने बोला है कि अगर मैं उस टाइम पे उधर नहीं रहा, लाइक मैं एक दूसरे डायमेंशन में चला गया, जब कागुया आती है एक दूसरे डायमेंशन में सास्के को भेज देती है, वो टाइप वाली एक सिचुएशन मेरी अभी माइंड में चल रही है। उसी को देखते एक मेरे माइंड में थ्योरी आई है, मान लो कि अभी 9 बजे मैं इधर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं 10 बजे इधर से गुजर रहा हूँ, टाइम को एकदम से पीछे कर दूंगा 10 बजे, या फिर टाइम को एकदम से आगे कर दूंगा 10 बजे ले आऊँगा, तो मैं अभी इस सड़क पर अगर जो मैं नहीं हूँ एकदम से, मैं इधर एकदम से इंस्टेंट प्रकट हो जाऊँगा क्या? लाइक जैसे कि कुछ से कोई फाइल ऐसे एकदम से क्रिएट हो जाती है कंप्यूटर में, उस टाइप से एकदम से, जैसे मैं इधर हूँ नहीं एकदम से 10 बजे का टाइम जैसे मैं आगे करूँगा इधर से एकदम आ जाऊँगा, उस टाइप की एक थ्योरी आ गई, ठीक है। अभी अगर मैं 10 बजे भी इधर हूँ और मैं अपने पीछे टाइम भी चले जाऊँ 10 बजे, लाइक वही जो ऋतिक के गिलास वाली जो सिचुएशन थी, जो गिलास मुँह पे उसके मारा आएगा, तब उधर क्या दो दो ऋतिक हो जाएंगे? और अगर दोनों ऋतिक आपस में मिल गए तब क्या होगा? और अगर मिलेंगे तो फिर मतलब कि मुझे पता रहेगा कि 2020 में भी हम लोग मिले थे, समझ रहे हो? मैं पता नहीं ढंग से समझा भी पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे खुद से समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ ना एक वो अलग ही लेवल का है, जैसे लाइक कि मैं 2024 से गया हूँ 2020 वाले ऋतिक से मिलने, ठीक है, अभी हम दोनों आपस में मिल चुके होंगे, तो अभी जो फिलहाल अभी मान लो कि अगर मैं फ्यूचर में कभी टाइम ट्रेवल करूँगा तो फिर वो मुझे अभी पता रहना चाहिए कि मेरे से एक बार ऋतिक आया था मिलने, क्योंकि जो 2024 वाला जो ऋतिक है वो 2020 वाले ऋतिक से मिल के आया है, ठीक है, तो 2020 में तो मेरा वो तो 4 साल पहले गुजर चुका है, मुझे तो पता रहेगा ना कि हाँ ऋतिक एक बार मिलने आया था, मतलब मैं आगे जाके फ्यूचर का भी टाइम ट्रेवलिंग करूँगा, इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। होप यू गाइस थोड़ा सा समझ में आया होगा मुझे, एक बार थोड़ा सा इसको प्लीज़ क्लियर करना।
लव यू। डन है ना, समझ गए ना? नहीं समझ आया तो थोड़ा बहुत यार पूछ लेना, बाकी ठीक है। ऋतिक।